प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। वहीं भाजपा पर लगाए आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बिखराव को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को कैंप करवाया है और आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार है, प्रशासन उनके हाथ में है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जनता पार्टी पे आरोप लगाना उचित नहीं लगता है, कोई इनको अंदर ही बिखराव दिखता है। उस अंदर के बिखराव को रोकने के लिए अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं जो किसी सचिव ने, और मैं उनसे निवेदन करता हूं जहां सरकार चला रहे है ना, गुजरात में सरकार आपकी नहीं हो सकता है आपके मन में कोई पीड़ा होकर, या तो आप स्वयं सरकार चला रहे हो, प्रशासन सारा आपके हाथ में है, फिर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।